राधे राधे। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गुरु गीता। श्री गुरु गीता अकाल मृत्यु को रोकती है, सब संकटों का नाश करती है, यक्ष राक्षस भूत चोर और शेर आदि का घात करती है। जो पवित्र ज्ञानवान पुरुष इस श्री गुरु गीता का जप पाठ करते हैं, उनके दर्शन और स्पर्श से पुनर्जन्म नहीं होता। श्री गुरु गीता। धन्य है उन गुरु भक्तों को जो साधक तथा कथित अधूरे गुरुओं के जाल से बचकर सच्चे श्रोतिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु को पूर्ण परमात्म स्वरूप जानकर हृदय के पवित्र भाव से उनकी सेवा भक्ति करते हैं। वे साधक आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सद्गुरु की जो सेवा करते हैं वे संपूर्ण विश्व की सेवा करते हैं। नम्रता और प्रेम से, अहंकार और उकताए बिना की हुई गुरुदेव की सेवा से साधक के हृदय मंदिर में आत्मज्ञान का प्रकाश जगमगा उठता है। आओ ऐसे कुछ सत शिष्यों की पावन कथाओं का रसपान करें। आरुणी। प्राचीन काल में एक आयोध्य नाम के ऋषि थे। उनके सुरम्य पवित्र आश्रम में बहुत शिष्य रहते थे। उनमें एक आरुणी नाम का शिष्य बड़ा ही नम्र, सेवा भावी और आज्ञा पालक था। एक बार खूब वर्षा हुई, गुरु ने आरुणी को आश्रम के खेतों की देखभाल के लिए भेजा। आरुण ने खेत में जाकर देखा कि खेत का पानी तो सीमा तोड़कर सब बाहर निकला जा रहा है। थोड़ी देर में तो सब पानी खेत की सारी पाल को तोड़ देगा और मिट्टी बह जाएगी। आरुण ने कमर कसी, जहाँ से पानी निकल रहा था वहाँ मिट्टी डालना शुरू किया, परंतु पानी का वेग सब मिट्टी बहा ले जाता। आखिर आरुणी स्वयं ही उस टूटी हुई सीमा में पानी रोकने के लिए लेट गया। उसके शरीर के अवरोध के कारण बहता पानी तो रुक गया, परंतु ऐसे उसे सारी रात ठंडे पानी में लेटे रहना पड़ा। इस प्रकार उसने खेत की पूरी देखभाल की। प्रातःकाल हुआ, आश्रम के सब शिष्य जब गुरुदेव को प्रणाम करने गए तब उनमें आरुणी दिखाई नहीं दिया। गुरु शिष्यों को साथ लेकर आरुणी को ढूंढने खेत की ओर गए और पुकार लगाई, आरुणी आरुणी। आरुणी ने गुरु की आवाज़ सुनी। उसका शरीर तो ठंड से ठिठुर गया था, आवाज़ दब गई थी, फिर भी वह उठा और गुरुदेव को प्रणाम करके बोला, क्या आज्ञा है गुरुदेव? गुरु आयोध्या में का हृदय भराया, शिष्य की सेवा देखकर उनका गुरुतत्व छलक उठा। आरुणी के हृदय में ज्ञान की ज्योति जलाते हुए वे बोले, बेटा तू पढ़े बिना ही सब शास्त्रों में निपुण हो जाएगा। गुरु भक्ति द्वारा आरुणी के अंतर में शास्त्रों का ज्ञान अपने आप प्रकट होने लगा। गुरु ने उसका नाम उद्दालक रखा। धन्य है गुरु भक्त आरुणी, तू मुझे और आंगन दे दे, मैं अमृत की वर्षा कर दूँ। दूसरी उपमन्यु। आयोध्या का दूसरा एक शिष्य उपमन्यु था। गुरु ने उसे गाय चराने की सेवा दी। उपमन्यु सारा दिन गाय चराता और शाम को गांव के साथ आश्रम पहुंच जाता। उसका शरीर हष्टपुष्ट देखकर गुरु ने एक दिन पूछा, बेटा तू रोज क्या खाता है? उपमन्यु, गुरुदेव भिक्षा में मुझे जो मिलता है वह खाता हूँ। गुरु, यह तो अधर्म है, भिक्षा गुरु को अर्पण किए बिना तो नहीं खाना चाहिए। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हुई निर्धन या हुई कोढ़ी। दूसरे दिन से उपमन्यु गांव को जंगल में छोड़कर गांव से भिक्षा मांगकर ले आता और गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर देता। गुरुदेव सारी भिक्षा रख लेते और उसे कुछ नहीं देते। कुछ दिन बाद उपमन्यु को ऐसा ही तंदुरुस्त देखकर गुरु ने पूछा तो उसने बताया, गुरुदेव एक बार मांगकर भिक्षा आपके चरणों में अर्पित कर देता हूँ, फिर दूसरी बार मांगकर स्वयं खा लेता हूँ। गुरुजी कहते हैं, दो दो बार भिक्षा मांगने से गृहस्थियों का हक मारा जाता है, यह तो उचित नहीं। गुरुदेव के यह आज्ञा भी उपमन्यु ने आदरपूर्वक स्वीकार की। कुछ दिन बाद फिर उपमन्यु को उसके निर्वाह के बारे में पूछा तो वह बोला, प्रभु मैं गांव का दूध पीकर निर्वाह कर लेता हूँ। गुरु, यह तो अधर्म है, गुरुओं की गाँव का दूध गुरु की आज्ञा के बिना पी लेना तो चोरी हो गई, ऐसा मत करो। दूध पीना बंद होने के बाद भी उपमन्यु को तंदुरुस्त देखा तो फिर गुरु ने बुलाया। पूछने पर उपमन्यु बोला, गाय का दूध जब बछड़े पीते हैं तब थोड़ा फेन बाहर आता है, मैं उसे ही चाट कर संतोष कर लेता हूँ। गुरु, बेटा तुमको ऐसा करते देख कर तो बछड़े ज़्यादा फेन बाहर छोड़ते होंगे और स्वयं भूखे रह जाते होंगे, ऐसा करना तुम्हारे लिए योग्य नहीं है।
अब उपमन्यु के लिए भोजन के सब रास्ते बंद हो गए, परंतु गुरु के प्रति अहोभाव और श्रद्धा में लेश मात्र भी फर्क नहीं पड़ा। गुरु द्वारा सौंपी गई सेवा चालू रही। बहुत भूख लगती तो कभी किसी वृक्ष या वनस्पति के पत्ते चबा लेता। एक बार क्षुधा पीड़ित उपमन्यु भूल से आग के पत्ते खा गया और अपनी आंखें खो बैठा। रास्ता न दिखने के कारण वह एक कुएं में गिर पड़ा। शिष्य के कल्याण के लिए, उसके जीवन को गढ़ने के लिए भार तो वज्र से भी कठोर दिखने वाले और भीतर से फूल से भी कोमल कृपालु गुरुदेव ने जब गांव के पीछे उपमन्यु को लौटता हुआ नहीं देखा तो उसे ढूंढने के लिए स्वयं जंगल की ओर चल पड़े। उपमन्यु बेटा, उपमन्यु की पुकार जंगल में गूंज उठी। हे उपमन्यु, तू धन्य है। हजारों भक्त पूजा के समय जिन्हें पुकारते हो वे गुरु तुझे पुकार रहे हैं। धन्य है तेरी सेवा। गुरु के मुख द्वारा अपने नाम का उच्चार सुनकर कुएं में से उपमन्यु ने उतर दिया। कुएं के पास आकर गुरु ने सारी हकीकत जानी और आंखों के उपचार के लिए देवों के वैद्य अश्विनी कुमारों की स्तुति करने के लिए उपमन्यु को कहा। उपमन्यु की स्तुति से तुरंत वहां अश्विनी कुमार प्रकट हुए और उसे आंखों की दवा के रूप में कोई मिठाई खाने को दी। उपमन्यु बोला, अब मुझे गुरु की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं खाया जाएगा। अश्विनी कुमार, यह तो दवाई है, इसे लेने में कोई हर्ज नहीं है। तुम्हारे गुरु की भी एक बार ऐसी ही अवस्था हुई थी, तब उन्होंने भी खा ली थी। उपमन्यु ने नम्र भाव से कहा, मेरे गुरुदेव क्या करते हैं यह मुझे नहीं देखना है, मुझे तो वे जैसा कहते हैं तद अनुसार मानना है। अश्विनी कुमार प्रसन्न हुए, उन्होंने उपमन्यु की आंखें ठीक कर दीं। उपमन्यु कुएं से बाहर आया और सब वृतांत कहकर गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव का हृदय भर आया और उनके मुखारविंद से अमृत वचनों के रूप में आशीर्वाद निकल पड़े। बेटा, तू वेद वेदांग का ज्ञाता धर्मावलंबी और महान पंडित बनेगा। हुआ भी ऐसा ही। लाख लाख बंधन हो, बाहर से कठोर दिखते हुए भी अंदर से शिष्य का कल्याण करने वाले ब्रह्मवेत्ता सदगुरु को धन्य है। ऐसी कठोर कसौटी में भी अडिग रहकर प्रतिकार न करने वाले एवं गुरु द्वारा मिलने वाले आध्यात्मिक अमृत को पचाकर पार हो जाने वाले उपमन्यु जैसे सतशिष्यों को। बाबा फरीद। पाकिस्तान में बाबा फरीद नाम के एक फकीर हो गए। वे अनन्य गुरु भक्त थे। गुरु जी की सेवा में ही उनका सारा समय व्यतीत होता था। एक बार उनके गुरु ख्वाजा बहाउद्दीन ने उनको किसी खास काम के लिए मुल्तान भेजा। वहाँ उन दिनों में शाह शमशेद बरेज के शिष्यों ने अपने गुरु के नाम का एक दरवाज़ा बनाया था और घोषणा की थी कि आज इस दरवाजे से जो गुजरेगा वह जरूर स्वर्ग ही जाएगा। हजारों फकीर और ग्रस्त इस दरवाजे से गुजर रहे थे। नश्वर शरीर का त्याग होने के बाद स्वर्ग में स्थान मिलेगा, ऐसा सबको आशा थी। फरीद को भी उनके मित्र फकीरों ने दरवाजे से गुजरने के लिए खूब समझाया, परंतु फरीद तो अब उनको जैसे तैसे समझाकर पटाकर अपना काम पूरा करके बिना दरवाजे से गुजरे ही अपने गुरुदेव के चरणों में पहुंच गए। सब अंतर्यामी गुरुदेव ने उनसे मुल्तान के समाचार पूछे और कोई विशेष घटना हो तो बताने के लिए कहा। फरीद ने शम्स के दरवाजे का वर्णन करके सारी हकीकत सुना दी। गुरुदेव बोले, मैं भी वहाँ होता तो उस पवित्र दरवाजे से गुजरता। तुम कितने भाग्यशाली हो फरीद कि तुमको उस पवित्र दरवाजे से गुजरने का सो अवसर प्राप्त हुआ। सदगुरु की लीला बड़ी अजीब गरीब होती है। शिष्य को पता भी नहीं चलता और वे उसकी कसौटी कर लेते हैं। फरीद तो सशिष्य थे, उनको अपने सदगुरुदेव के प्रति अनन्य भक्ति थी। गुरुदेव के शब्द सुनकर वे बोले, कृपानाथ, मैं तो उस दरवाजे से नहीं गुजरा, मैं तो केवल आपके दरवाजे से ही गुजरूंगा। एक बार मैंने आपकी शरण ली है तो अब और किसी की शरण मुझे नहीं जाना है। यह सुनकर ख्वाजा बहुत दिन की आंखों में प्रेम उमड़ आया। शिष्य की दृढ़ श्रद्धा और अनन्य शरणागति देखकर उन्होंने उसे छाती से लगा लिया। उनके हृदय की गहराई से आशीर्वाद आत्मक शब्द निकल पड़े। फरीद, शमशेद बरेज का दरवाज़ा तो केवल एक ही दिन खुला था, परंतु तुम्हारा दरवाज़ा तो ऐसा खुलेगा कि उसमें जो हर गुरुवार को गुजरेगा वह सीधा स्वर्ग में जाएगा। आज भी पश्चिमी पाकिस्तान के पाक पट्टन कस्बे में बने हुए बाबा फरीद के दरवाजे में से हर गुरुवार को गुजरकर हजारों यात्री अपने को धन्यभागी मानते हैं। यह है गुरुदेव के प्रति अनन्य निष्ठा की महिमा। धन्यवाद हैं ऐसे बाबा फरीद जैसे सतशिष्यों को कि जिन्होंने सतगुरु के हाथों में अपने जीवन की बागडोर हमेशा के लिए सौंप दी और निश्चिंत हो गए। संत एकनाथ।
संत एकनाथ देवगढ़ राज्य के दीवान श्री जनार्दन स्वामी के शिष्य थे। 10 वर्ष की छोटी उम्र में ही उन्होंने श्री गुरु चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। वे गुरुदेव के कपड़े धोते, पूजा के लिए फूल लाते, गुरुदेव भोजन करते तब पंखा झलते, गुरु के पुत्रों की देखभाल करते, उनके नाम आए हुए पत्र पढ़ते और गुरु के संकेत अनुसार उनका जवाब देते। ऐसे एवं अन्य भी कई प्रकार के छोटे मोटे काम वे गुरु चरणों में करते। एक बार गुरुदेव ने एकनाथ को राजदरबार का हिसाब करने को कहा। एकनाथ वहियां लेकर हिसाब करने बैठा। दूसरे ही दिन प्रातः हिसाब किताब राजदरबार में बताना था। सारा दिन हिसाब किताब लिखने व देखने में बीत गया। रात हुई, नौकर दीपक जलाकर चला गया। एकनाथ को पता नहीं चला कि रात शुरू हो गई है। हिसाब में एक पाई की भूल आ रही थी। आधी रात बीत गई, फिर भी भूल पकड़ में नहीं आई। एकनाथ अपने काम में लगे रहे। प्रातः जल्दी उठकर गुरुदेव ने देखा कि एकनाथ तो अभी भी हिसाब देख रहे हैं। वे आकर दीपक के आगे चुपचाप खड़े हो गए। वहियों पर थोड़ा अंधेरा छा गया, फिर भी एकनाथ एकाग्रचित्त से वहियां देखते रहे। वे अपने काम में इतने तल्लीन थे कि अंधेरे में भी उन्हें अक्षर साफ दिख रहे थे। इतने में पाई की भूल पकड़ में आ गई। एकनाथ हर्षित चिल्ला उठे, मिल गई मिल गई। गुरुदेव ने पूछा, क्या मिल गई बेटा? एकनाथ चौंक पड़े। ऊपर देखा तो गुरुदेव सामने खड़े हैं। उठकर प्रणाम किया और बोले, गुरुदेव एक पाई की भूल पकड़ में नहीं आ रही थी, अब वह मिल गई। हजारों के हिसाब में एक पाई की भूल और उसको पकड़ने के लिए रात भर जागरण, गुरु की सेवा में इतनी लगन, इतनी तितिक्षा और भक्ति देकर दीवान जनार्दन स्वामी के हृदय में गुरु कृपा उछाला मारने लगी। उन्हें ज्ञानामृत की वर्षा करने के लिए योग्य अधिकारी का उर आंगन मिल गया। सदगुरु की आध्यात्मिक वसीयत संभालने वाला सत्शिष्य मिल गया। उसके बाद ही एकनाथ के जीवन में ज्ञान का सूर्य उदय हुआ और उनके सानिध्य में अनेक दूसरे साधकों ने अपनी आत्मज्योति जगाकर धन्यता का अनुभव किया। साक्षात गोदावरी माता भी लोगों द्वारा डाले गए पाप धोने के लिए इन ब्रह्मनिष्ठ संत के सत्संग में आती थीं। संत एकनाथ जी की एकनाथी भागवत को सुनकर आज भी कई लोग तृप्त होते हैं। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।